हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट सबसे हॉट सीट है। इस महत्वपूर्ण सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस सीट पर जहां कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, वहीं भाजपा के प्रत्याशी पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर 3 बार जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं और इस बार चौका लगाने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी इस कश्मकश में है कि इस बार अनुराग ठाकुर को कैसे मुकाबला दिया जाए और कौन सा प्रत्याशी उपयुक्त होगा। कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर के पार्टी में मंथन का दौर जारी है। हालांकि भाजपा ने इस महत्वपूर्ण सीट पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर के पार्टी में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व भाजपा के अध्यक्ष 3 बार पूर्व सांसद रहे सुरेश चंदेल, जो कि टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को तैयार है, जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, वरिष्ठ नेता ठाकुर रामलाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिलासपुर बंबर ठाकुर और राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा के नामों पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा इस महत्वपूर्ण सीट पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बड़े जोर शोर से जारी है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा का कहना है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस को कोई भी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के मुकाबले में नहीं मिल रहा है। पहले भी 3 बार कांग्रेस ने बाहर के प्रत्याशी को टिकट दिया और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अनुराग ठाकुर चौका लगाकर जीत का परचम लहराएंगे। अनुराग ठाकुर जी जिस तरह पहले 3 लोकसभा चुनावों को जीते हैं, उससे भी ज्यादा बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। हालात आपके सामने हैं, कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशियों को उधार लेकर चुनाव लड़ा, इस बार स्थिति उससे भी बदतर हो गई। अनुराग ठाकुर जी ने जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो हमारे ऊना से जो प्रत्याशी थे वो हविंका हिमाचल विकास कांग्रेस से आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर हमारी पार्टी के नरेंद्र ठाकुर गए, दूसरे चुनाव में हमारी पार्टी से राजेंद्र राणा गए। इस बार भी उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं बाहर से ही उधार लेकर प्रत्याशी बनाया जाए। तो जिस पार्टी के नेता यहाँ उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ उनके विपक्ष के नेता हैं, यहाँ से और वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, परंतु कोई भी नेता आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो ये दर्शाता है कि उनको हार सामने दिख रही है और अनुराग ठाकुर जी की जीत सुनिश्चित दिख रही है, इसलिए वो घबरा रहे हैं। हम अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण, केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों के आधार पर विश्वास पूर्वक कहना चाहेंगे कि हम इस बार हिमाचल की चारों सीटें जीतेंगे और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ये सीट भारी बहुमत से जीतकर अनुराग ठाकुर जी चौका लगाएंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिलासपुर बंबर ठाकुर का कहना है कि अनुराग ठाकुर को BCCI के पद से हटाया गया है, इस बार उन्हें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भी बड़ा मुकाबला दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के पास कई सशक्त नेता हैं जो अनुराग ठाकुर को हराकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बड़े नेताओं के ऊपर छिट्टा कसी करें, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार को संभाले, वो अपने गिरेवान में झांक के देखें। अनुराग ठाकुर को BCCI से सुप्रीम कोर्ट ने निकाल करके बाहर फेंका है। और जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, कांग्रेस पार्टी के पास सक्षम उम्मीदवार हैं जो अनुराग को भी हराएंगे और कांग्रेस पार्टी की झोली में इस सीट को ला करके देंगे।